हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मेरा पूरा का पूरा एक सीरीज आएगा जिसमें हम लोग हर एक टाइप के SFD BMD फाइंड करेंगे। तो आज हम लोगों के पास एक UDL है और साथ ही साथ उसके साथ एक हमारे पास पॉइंट लोड है। मैं एक कर्सर ऑन कर लेता हूँ एंड कैलकुलेट द वैल्यू एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डायग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैनुअल पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद मैनुअल ड्रॉ करने के बाद इसको सॉफ्टवेयर पे देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली वैल्यू इन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसके वैल्यू कैसे इसको SFD BMD और रिएक्शन फाइंड करते हैं। नाउ द फर्स्ट थिंग इज AY, आई एज्यूम दिस AY एंड दिस वन इज BY। AY प्लस BY इक्वल टू 90। 90 कैसे आया, 20 इंटू 4 80 एंड देन 10, तो टोटल क्या हो गया 90। टेकिंग मोमेंट फ्रॉम AY, AY से मोमेंट लेना है, तो AY कहाँ पे, यहाँ पे, तो AY से मोमेंट लेना है, तो BY इंटू 10 कैसे, 442, तो BY इंटू 10। उसके बाद 20 इंटू 4 इंटू हाफ, तो 20 इंटू 4 इंटू हाफ, ये आ गया। उसके बाद 10 इंटू 8, तो टोटल क्या हो गया हमारा 240 डिवाइड बाई 10, और उस पर हमने कैलकुलेट किया तो देखा कि आ गया हमारा 24। तो जब BY हमारा 24 आ गया तो AY क्या आएगा, 90 माइनस 24, तो कितना आ गया 66। तो हमारा देखिए मैक्सिमम कितना आ गया, ये 66। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। नाउ द नेक्स्ट, और ये देखिए 24 BY पे आ गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि शियर फोर्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने लेफ्ट में FA 0 मान लिया, तो अभी हमने राइट में कितना लिया 66, कितना 66, FA इक्वल टू 66, यहाँ देखिए आपका ये 66 है। और FC, तो C मतलब फोर्स ऑन C मतलब कि यहाँ पे 66 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है। उसके बाद माइनस 20 इंटू 4, ये 20 इंटू 4, तो कैलकुलेट करोगे तो जो आएगा वही यहाँ का पॉइंट हो जाएगा। ये देखिए आ गया कितना माइनस 14, तो माइनस 14 तो मतलब ये आ गया। उसके बाद आगे चलो एफ डी पे क्या होगा, माइनस 14 माइनस 10, तो टोटल कितना आ गया माइनस 24, तो देखिए यहाँ पे माइनस 24 पे हम लोग आ गए। और उसके बाद एफ बी राइट में माइनस 24 प्लस 24 वहाँ पे पहले से है FB में, तो उसके बाद हमारा कितना आ गया ये 0, तो हमारा ये क्या चला गया, कांस्टेंट चला गया। इस तरीके से समझ में आ गया सबको शियर फोर्स। अगर आपको नहीं समझ आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बोलो यार कि नहीं समझ आया सर, फिर से बताइए, तो मैं फिर से बताऊँगा, डोंट वरी, लेकिन अच्छे से समझना। इसके बाद बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से निकलेगा, तो हमने MA को क्या ले लिया, 0 ले लिया। FMC मतलब C पे क्या होगा मोमेंट, 66 तो है ही, इंटू 40 नहीं यार, ये 4 इंटू 66 इंटू 4 कैसे, 66 यहाँ से आ रहे हो ना, और यहाँ से आके यहाँ तक का कितना हो गया 4, तो 66 इंटू 4। और उसके बाद माइनस 20 इंटू 4 इंटू 2, 24 और इसका हाफ, तो आगे हम लोग कितना टोटल हो गया हमारा 104 केजी पर ओके किलोन्यूटन पर मीटर। ओके MD मोमेंट ऑन डी, तो इसके लिए हमने क्या ले लिया 66 इंटू 8, कैसे समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने डी यहाँ पे है, तो 66 यहाँ से था और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 8, तो 66 इंटू 8, तो हमारे पास आ गया ये। उसके बाद 20 इंटू 4 इंटू 6, ठीक है वो समझ आ गया होगा आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 20 इंटू 4 और इसका हाफ लेते हैं प्लस ये 2, तो कितना हो गया 6, तो इसको हमने कैलकुलेट किया कितना आ गया ये 48, और MB पे क्या है ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 104 और 48 आ गया। अगर इसको सॉफ्टवेयर पे करना हो दोस्तों तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसको प्रॉपर्टी असाइन कर दीजिए 0.23 इंटू 0.60, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सॉफ्टवेयर भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पे रोलर सपोर्ट दे दीजिए आप, वन साइड रोलर है, रोलर में ये याद रखना कि FY को ऑफ रखना है, क्यों, क्योंकि जब रोलर सपोर्ट होता है
तो ये इधर जाएगा बट इधर नहीं जाएगा, तो एफ वाई में नहीं जाएगा, तो एफ वाई को क्या करते हैं ऑफ करके रखते हैं। और यहाँ पे पिन सपोर्ट, पिन बोले तो स्टेट प्रो में पिन बोलते हैं हिंज सपोर्ट को, तो हिंज सपोर्ट अगर लगा है मतलब वो पिन लगा हुआ, तो आप डायरेक्ट पिन असाइन कर दो। फिर यहाँ से अपना एफ वाई देख लो, यहाँ से मोमेंट देख लो, यहाँ से शियर फोर्स देख लो, और यहाँ से डिफ्लेक्शन देख सकते हो। और रिजल्ट देखने के लिए, प्रॉपर वैल्यू देखने के लिए यहाँ पे जाओ बीम रिजल्ट, और यहाँ से नोटेट कर दो तो आपको प्रॉपर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, ये देखिए आपका इस तरीके से वैल्यू आएगा, पहले दिखा देता हूँ आपको। ये लोड लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ देखिए 14, 24, 66 जो वहाँ आया सेम टू सेम यहाँ आ रहा है, 104, 0, 0, 24, 48, 76। तो प्रॉपर यही वैल्यू हम लोग लेके आएंगे, और उसके बाद देखेंगे कि क्या मैच करता है कि नहीं हमारा वैल्यू। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको ऑफ करेंगे और डायरेक्ट शेयर यहाँ पे चलते हैं। हमारा जो स्पैन है वो 10 मीटर का है टोटल, यहाँ से देखिए आप 10 मीटर का है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सबसे पहले 10 मीटर का स्पैन बना दिया यहाँ से आ रहा है, और उसके बाद हमने इस ग्रिड को ऑफ कर दिया। हैंग कर रहा है सब, इस ग्रिड को हमने क्या कर दिया ऑफ कर दिया। और उसके बाद जनरल प्रॉपर्टी डिफाइन रेक्टेंगल, अभी हमने जो स्पेन लिया है ये 0.23 × 0.60 लिया है, आप चेंज करोगे कोई भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि स्पेन से मतलब नहीं लोड से मतलब होता है यहाँ पे साइन यस। इसके बाद सपोर्ट क्रिएट वन साइड पिन एंड वन साइड यहाँ पे फिक्स बट मतलब रोलर, इसमें मैंने बोला था एफ वाई को मतलब ऑन रखना और सबको यहाँ पे क्लिक कर देना। ये रोलर है, आई थिंक रोलर इधर लगा हुआ है साइन यस, और ये इधर इस साइड लगा देंगे साइन यस। इसके बाद दोस्तों लोड एंड डिफिनेशन, लोड केस डिटेल्स एड डियर। तो सबसे पहले आपको डेड लोड पे आना है एड, और यहाँ पे सबसे पहले मेंबर लोड पे जाना है माइनस 20 किलो न्यूटन और 0 to 4 मीटर एड। इसके बाद आपको यूनिफॉर्म यहाँ पे आना है कंसंट्रेटेड फोर्स पे, और यहाँ पे आके माइनस 10 किलो न्यूटन डी वन इसका 8 मीटर पे जाके लगेगा। तो सबसे पहले ये लीजिए, सेलेक्ट करिए असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स असाइन यस, फिर से लिया सेलेक्टेड असाइन यस। ये देखिए प्रॉपर लग गया हमारे पास, एक पॉइंट लोड लग गया, एक यूडीएल लग गया। अब चलिए देखते हैं इसकी वैल्यूज असाइन सॉरी एनालिसिस ऑल एट क्लोज एनालाइज रन एनालिसिस सेव। ठीक है, यहाँ पे नोट बनेंगे और वार्निंग भी आएगी क्योंकि वो मिस ज्वाइन का दिखाएगा, जिसको आपको इग्नोर करना रहेगा। और इग्नोर इसलिए क्योंकि हम लोग अभी यहाँ पे रोलर लगा देते हैं और यहाँ पे पिन, तो उसको लगता है ये स्पैन बड़ा हो गया और हमने जो साइज दिया वो छोटा है, तो मिस ज्वाइन का वो दिखाते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शियर फोर्स हमारी वैल्यू सही आनी चाहिए, और उसके बाद इसको देखेंगे कंट्रोल और माउस को स्क्रॉल करेंगे तो इस तरह से देख सकते हैं। रिजल्ट देखना है कि कितना आया, रिजल्ट बी वैल्यू बीम रिजल्ट, ये देखिए 66, 24, 14, अगर आप देखें तो आपका भी वही आया है, ये देखिए 66, 14, 24, 14। और हमारा जो पुराना वैल्यू हमने निकाला था वो भी आई थिंक यही आया था एग्जैक्ट यही। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं अपने शियर फोर्स को। साथ ही साथ अगर हमको बेंडिंग मोमेंट देखना है तो यहाँ से एम जेड कर दीजिए, और रिजल्ट व्यू वैल्यू मैक्सिमम बीम रिजल्ट इसको ऑफ कर दीजिए, और यहाँ पे जाके सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग मोमेंट को ऑन रखिए एनोटेट क्लोज। और इस तरीके से देखेंगे तो 0, 90, 108 एंड 0 किलो न्यूटन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली हम अपने बेंडिंग मोमेंट को और शियर फोर्स को निकाल सकते हैं।
और देख सकते हैं कि हमारा स्पैन में किस तरीके से न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो अगर आपके पास भी न्यूमेरिकल हैं और आप नहीं लगा पा रहे हो तो मुझे बताना यार, और अगर आप लोग लगा रहे हो तो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके पास सोम की बुक होगी, उससे न्यूमेरिकल निकालो, उसका पहले मैनुअल निकालो फिर सॉफ्टवेयर से निकालो, तो आपका बेंडिंग मोमेंट शेयर फोर्स भी क्लियर हो जाएगा और सॉफ्टवेयर पर भी आप लगा पाओगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लग रहे हैं तो उसको यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो। कुछ नहीं करना है, FB पे जाना है, FB पे जाके शेयर कर देना है, WhatsApp पे एक स्टेटस लगा देना है। इतना कर दोगे अगर तो समझो कि मेरा थोड़ा सा और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आप तक लेके आऊँगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आपको PPT चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस। जय हिंद, जय भारत।